दोस्तों, अगर ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि कम एपिसोड्स में ज़्यादा मज़ा, यही तो है पाकिस्तानी ड्रामास की सीक्रेट रेसिपी। तो चलिए आज पाकिस्तान के टॉप 5 बेस्ट ड्रामास के बारे में जानते हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो नंबर 5 पे हमारे पास आता है खुदा और मोहब्बत सीजन 3। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदा और मोहब्बत की सीरीज़ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रह चुकी है और ये ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। ड्रामे में हम फिरोज खान को और इकरा अजीज़ को एज ए लीडिंग एक्टर देख सकते हैं, जहाँ उनका किरदार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाया गया है। आप सब जानते हैं कि फिरोज खान एक्टिंग की वजह से पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इस ड्रामे में उनका किरदार काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। ड्रामे की कहानी को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है क्योंकि ये एक लव स्टोरी बेस्ड ड्रामा है और मैं सुजेस्ट करूँगा कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें। तो नंबर 4 पे हमारे पास आता है एदेफा। दोस्तों, एदेफा को हम एक फ्रेंडशिप गोल ड्रामा भी कह सकते हैं, जहाँ हमें 4 दोस्तों की दोस्ती के बारे में बताया गया है, जिसमें हमें अहद रजा मीर, उसामा खालिद भट्ट, अहमद अली अकबर और वाहिद अली को देख सकते हैं। बेसिकली अहद वफा में लाइफ करियर को भी दिखाया गया है कि कैसे चारों दोस्त अपनी अपनी फील्ड में कामयाब इंसान बनते हैं। और ड्रामे में हम अलीज़े शाह, ज़ारा नूर अब्बास, मोमिना इकबाल और कोमल मीर को एज ए लीडिंग एक्ट्रेसेस देख सकते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा मेहनती और काबिल दिखाया गया है। दोस्तों, ड्रामे में हमें पाकिस्तान आर्मी के बारे में काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं, जहाँ हमें अहद रजा मीर का किरदार एज ए पाकिस्तानी आर्मी पर्सन दिखाया गया है। तो नंबर 3 पे हमारे पास आता है सुनो चंदा। दोस्तों, अगर हंसी मजाक की बात की जाए तो सुनो चंदा का नाम पाकिस्तान के ड्रामास में ज़रूर लिया जाता है। ड्रामा में हमें फरहान सईद और इकरा अजीज़ एज ए लीडिंग एक्टर नज़र आते हैं, जबकि और भी पाकिस्तान के कई नामवर अदाकार साथ नज़र आते हैं। दोस्तों, ड्रामे की कहानी काफ़ी ज़्यादा दिलकश और मजाहिया बनाई गई है। ड्रामे के मुताबिक दो कज़न्स की आपस में शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में दिखाया गया है कि कैसे दोनों कज़न्स की आपस में शादीशुदा ज़िंदगी गुजरती है। तो नंबर 2 पे हमारे पास आता है रक्से बिस्मिल, एक बहुत ही खूबसूरत और लव स्टोरी बेस्ड ड्रामा, जिसमें हमें पाकिस्तान के ऑलराउंड डायरेक्टर इमरान अशरफ अवान को और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस सारा खान को देख सकते हैं। कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे एक मजहबी ख़ानदान का लड़का एक बाजारू टाइप लड़की के इश्क में पागल हो जाता है और उसे हासिल कर लेता है, लेकिन वो लड़की भी अपने काम से बहुत नाखुश होती है। नंबर 1 पे हमारे पास आता है सिन्फ़े आहन। दोस्तों, सिन्फ़े आहन में हमें रमशा खान, कुर्बा खान, यमुना जैदी, सारा यूसुफ, सजल अली को एज ए लीडिंग एक्ट्रेसेस देख सकते हैं और शहरयार मुनव्वर का किरदार भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाया गया है। दोस्तों, सिन्फ़े आहन एक आर्मी बेस्ड ड्रामा है, जिसके अंदर हमारी पाकिस्तानी जो वुमेंस हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे वो पाकिस्तान के दफा के लिए सर्विसेज सर अंजाम देती हैं। और ड्रामे को काफ़ी खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है और मुख्तलिफ किरदारों की मुख्तलिफ कहानियाँ बताई गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।